अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हमारा जो टॉपिक है वो है टी फ्लिप फ्लॉप। इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप जो है वो बनता है एस आर फ्लिप फ्लॉप से, और जो टी फ्लिप फ्लॉप है वो बनता है जे के फ्लिप फ्लॉप से। ठीक है, अभी इसमें जो चीजें आपको मैं बताऊंगा वो ये कि हमने कैसे डिजाइन करना है टी फ्लिप फ्लॉप को फ्रॉम जे के फ्लिप फ्लॉप। जे के फ्लिप फ्लॉप को पहले आपको पढ़ना चाहिए, जे के फ्लिप फ्लॉप होता क्या है, उसका ट्रुथ टेबल क्या है, जे के फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल क्या है, उसकी कॉर्नो मैप के जरिए उसको मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है, उसकी इक्वेशन को। तो ये चीजें जो है ये आपको पहले वाले जो लेक्चर थे वो सुनने पड़ेंगे। तो जेके फ्लिप फ्लॉप का लेक्चर जो है आप लाजम सुने, उसके बाद आप जेके फ्लिप फ्लॉप को कन्वर्ट कर सकते हैं टी फ्लिप फ्लॉप पे। तो इसमें जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट अच्छा होगा कि वो जेके फ्लिप फ्लॉप कैसे बनता है, उसका ट्रुथ टेबल कैसे बनता है, उसकी लॉजिक क्या है, तो फिर वो टी फ्लिप फ्लॉप को समझ सकता है। लिहाजा मेरा तो मुफीन मशवरा यही है कि आप पहले जेके फ्लिप फ्लॉप को पढ़े और फिर उसके बाद टी फ्लिप फ्लॉप पे। दूसरे नंबर पे हमने टेबल ड्रा करना है, ट्रुथ टेबल ड्रा करना है टी फ्लिप फ्लॉप का। फिर उस ट्रुथ टेबल की बेस के ऊपर हमने करेक्टरिस्टिक टेबल ड्रा करना है टी फ्लिप फ्लॉप के लिए। फिर उस करेक्टरिस्टिक टेबल की बेस के ऊपर हमने एक्साइटेशन टेबल को ड्रा करना है टी फ्लिप फ्लॉप के लिए। तो ये इस वीडियो लेक्चर के अंदर ये चीजें मैं कुछ आपको पढ़ाऊंगा। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। इसमें हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास जेके फ्लिप फ्लॉप था, जेके फ्लिप फ्लॉप का ये ट्रुथ टेबल बनता है, जेके फ्लिप फ्लॉप का ये डायग्राम है। जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है कि जैसे एस आर फ्लिप फ्लॉप है, सेम एस आर फ्लिप फ्लॉप से हम जेके फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं कि इसकी ये वाली जो इनपुट है आउटपुट है इसको इनपुट बना देते हैं, और ये वाली आउटपुट जो है इसकी इनपुट बना देते हैं। ठीक है, फिर ये जे है हमारे पास और ये हमारे पास के है। फिर इस लॉजिक से हमने ये वाला ट्रुथ टेबल डिजाइन किया। इसमें ये है कि जब हमारा क्लॉक जो है वो जीरो होता है, क्लॉक जब नहीं होता है तो वो क्या करता है, क्यू और क्यू बार जो है वो मेमोरी सस्टेन करते हैं। क्यू और क्यू बार क्या करते हैं, मेमोरी को सस्टेन करते हैं। जब हम इसको क्लॉक को वन करते हैं और जे और के को जीरो जीरो करते हैं तो मेमोरी सस्टेन करता है। फिर भी जीरो वन करते हैं तो हमारे पास क्यू पे जीरो आता है और क्यू बार वन हो जाता है। ये वन है तो ये जीरो होता है। एस आर फ्लिप फ्लॉप में ये इनवैलिड हो जाता है, जबकि टी फ्लिप फ्लॉप के अंदर, सॉरी जे के फ्लिप फ्लॉप के अंदर ये टॉगलिंग होती है। ये टॉगलिंग कैसे होती है, इसके लिए मैंने जे के फ्लिप फ्लॉप की वीडियो बनाई हुई है, तो आपने उसको चेक कर लेना। ये थोड़ा सा रिवीजन है जो कि हमने जे के फ्लिप फ्लॉप बनाया था। अब जे के फ्लिप फ्लॉप से हमने टी फ्लिप फ्लॉप बनाना है। तो टी फ्लिप फ्लॉप में सिंपल हमने क्या करना है, ये देखिए इसी टेबल को, इसी डायग्राम को मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैंने जे की जो है वो इनपुट को थोड़ा सा एक्सीड किया, इसी तरह क्लॉक को मैंने भी बढ़ाया, और इसकी जो जे की जो इनपुट थी वो मैंने के पे भी दे दी। और जबकि हमने जब डी फ्लिप फ्लॉप बनाया था तो यहाँ पे नॉट गेट लगाया था, लेकिन यहाँ पे आपने नहीं करना। टी के ऊपर अगर वन होगा तो जे के ऊपर भी वन होगा और के ऊपर भी वन ही होगा। टी के ऊपर अगर जीरो होगा तो के के टी जे के ऊपर भी जीरो होगा और इसके ऊपर भी जीरो। देखिये बाकी सारा जे के फ्लिप फ्लॉप पे आगे, सिर्फ इनपुट्स हम अपनी मर्जी के देंगे। जे के फ्लिप फ्लॉप वाली इनपुट्स यहाँ पे जब देंगे, मसलन यहाँ पे जीरो जीरो होगा, ठीक है, टी जीरो होगा, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, ये हमने वन रखना है, क्लॉक को वन रखना है, तो ये जीरो जीरो होगा तो मेमोरी सस्टेन होगी, सी वन होगा, और ये जे और के जीरो जीरो होंगे तो मेमोरी सस्टेन रहेगी। इसी तरह ये देखिए सी जीरो है तो यहाँ पे सी जितनी दफा भी जीरो है, जहां जहां पे सी जीरो होगा तो मेमोरी सस्टेन होगी। तो इसका हमें कोई मसला नहीं है, चाहे इसकी जो मर्जी वैल्यू आ जाए, सी जीरो है
मेमोरी टी जितना मर्जी हो मेमोरी सस्टेन होगी। अब जब क्लॉक वन होगा, क्लॉक वन है टी जीरो है, टी जीरो से मुराद है जे भी जीरो होगा के भी जीरो होगा, तो क्लॉक वन है जे भी जीरो क्लॉक भी जीरो तो मेमोरी सस्टेन है, तो यहाँ पे मेमोरी सस्टेन होगी। और फिर जब सी वन होगा टी भी वन होगा, टी वन से मुराद है कि जे भी वन है और के भी वन है, यहाँ के टी अगर वन है तो जे भी वन है और टी भी वन है। जब जे और के वन वन है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये सी वन है जे भी वन है और के भी वन है, ये टॉगलिंग होगी, तो टॉगलिंग के लिए मैंने यहाँ पे टी ले दिया। ठीक है, अब टॉगलिंग का जो कंसेप्ट है इससे पहले वाली जो वीडियो है टी जे के फ्लिप फ्लॉप की उसमें मैंने अच्छे तरीके से समझाया होगा, अगर क्यू जीरो है तो क्यू वन हो जाएगा, फिर अगले लम्हे जो है वो वन हो जाएगा, फिर अगले लम्हे जीरो हो जाएगा और ये कंटिन्यूस चलता रहेगा, टॉगलिंग जो है सीरीज में चलती रहेगी। अब हमने ये वाला जो हमने टेबल बनाया है ये किस चीज का ट्रुथ टेबल है, ये टी फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल है, वो यहाँ पे हमने यहाँ पे ले दिया। ये जो टेबल है हमने पिछली स्लाइड से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये हमारा टी फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल है। इस ट्रुथ टेबल से हमने करेक्टरिस्टिक टेबल डिवाइस करना है। करेक्टरिस्टिक टेबल जो है इसमें ये होता है एक प्रीवियस इनपुट होती है, प्रीवियस मेमोरी स्टेट होती है और एक करंट मेमोरी स्टेट होती है ना, ये करंट मेमोरी स्टेट और ये नेक्स्ट मेमोरी स्टेट है हमारी। अब इसमें अगर गौर करें हमने टू टी फ्लिप फ्लॉप बनाना है तो टी को और ये दो चीजें हमारे पास आ जाएगी, तो दो के लिए चार कम्बिनेशन बनेगी हमारे पास, जीरो 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 वन वन जीरो और वन वन। जब क्यू एन जीरो होगा और टी जीरो होगा, टी जीरो से मुराद है तो मेमोरी सस्टेन क्या होगी, मेमोरी यहाँ पे सस्टेन होगी, तो मेमोरी यहाँ पे इसकी प्रीवियस मेमोरी कितनी है जीरो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा। अगर टी वन होगा, अगर टी वन होगा तो मेमोरी क्या होती है इसमें, ये देखिए इसमें लेना है टी वन है, ये भी वन है और ये भी वन है, क्लॉक जीरो है तो फिर हमने नहीं लेना, ठीक है, क्लॉक वन है तो हमने ये नहीं लेना। तो अगर ये जीरो है तो हमने फिर क्या करना है, ये वन है तो इसकी मेमोरी स्टेट कितनी आएगी, ये वन है टी वन है तो मेमोरी स्टेट यहाँ पे देखें उसकी क्या आएगी, ये मेमोरी स्टेट उसकी पुराने वाली जो है ना ये वन 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 पे क्या होती है टॉगलिंग होती है, ये इसकी मेमोरी स्टेट वन है तो इसको क्या कर देगा वो जीरो कर देगा। एक दफा मैं दोबारा बता देता हूँ कि क्यू टी जीरो है, टी जीरो है तो यहाँ पे भी टी जीरो है और यहाँ पे भी टी जीरो, जब क्लॉक जीरो है उसको आपने नहीं छेड़ना, ये वाली चीजें आपने नहीं लेनी, ये जीरो है तो मेमोरी मेमोरी वैल्यू जो है ना वो सस्टेन करती है, इसकी मेमोरी वैल्यू जो होगी तो टी वन के ऊपर वो टॉगलिंग आ जाती है, तो टॉगलिंग में कितना, ये जीरो है तो टॉगलिंग करेगा तो ये वन आ जाएगा, जीरो से क्या बन जाएगा वन आ जाएगा, जीरो होगा तो उसकी मेमोरी सस्टेन कायम रहेगी तो जीरो पे ये इसकी मेमोरी है, वन होगा तो टॉगलिंग होगी, तो ये वन है तो वन की क्या हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। अब ये जो हमने करैक्टरिस्टिक टेबल बनाया है इस करैक्टरिस्टिक टेबल को हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया और इस करैक्टरिस्टिक टेबल से हमने क्या करना है एक्साइटेशन टेबल बनाया है। तो एक्साइटेशन टेबल में करंट और नेक्स्ट स्टेट को हमने यहाँ पे लिखा, दो इनपुट्स होंगी तो ये चार हमारी कम्बिनेशन आ जाएंगी, जीरो जीरो पे टी की वैल्यू क्या होगी, ये भी जीरो तो टी की वैल्यू क्या आई जीरो, तो यहाँ पे टी की वैल्यू जीरो, जीरो वन है तो यहाँ पे हमने ये जीरो देखना है और ये हमारे पास वन है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू वन, वन जीरो है, वन जीरो है ये, अच्छा वन जीरो पे टी की वैल्यू जीरो आ रही है तो हमने यहाँ पे जीरो लिखा है, ठीक है ये मैंने गलती से जो है वन लिखा हुआ है। और अगर क्योंकि सॉरी सर ये वन है और ये हमारे ये वन है और ये जीरो है, ये वन ही रहेगा यहाँ पे वन ही है, ठीक है,
उसके बाद वन वन है तो वन वन ये वाला है वन है, और क्यू वन ये वाला है, इस पे कितना है जीरो, तो ये जीरो आ गया। तो हमने इधर से वैल्यू चेक करके तो हमने ये वाला एक्साइटेशन टेबल जो है ना ड्रॉ करना है। ये एक्साइटेशन टेबल है, ये इसका करेक्टरिस्टिक टेबल है। अब इसकी अगर आप देखें तो इसमें अगर आप चेक करते हैं कि अगर ये जीरो है तो ये जीरो है, ये वन है तो ये वन है, ये जीरो है तो ये वन है, ये वन है तो ये जीरो है। तो आपने इस कॉर्न ऑफ मैप के जरिए से ये टी की वैल्यू मालूम करनी है, क्या टी किसके बराबर होगा, ये जीरो है तो ये वन है, जब ये वन वन होगा तो ये जीरो होगा, वन जीरो होगा तो वन होगा, ठीक है। तो ये आपने इसके कॉर्न ऑफ मैप के जरिए से इसको हल करना है, ठीक है। इसका भी आपने ट्रुथ टेबल बनाना, सॉरी इसमें भी क्यू एन प्लस वन की वैल्यू निकालनी है कॉर्न ऑफ मैप के जरिए, मिनिमाइज करके क्यू एन प्लस वन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये 2/2 का कॉर्न ऑफ मैप बनेगा। इसी तरह इसके ट्रुथ टेबल को भी आपने क्या करना है, इसके भी वैल्यू मालूम कर लेनी, ठीक है। क्यू की वैल्यू लेदा मालूम करनी है, क्यू बार की वैल्यू लेदा, लेकिन उसमें से वो वैल्यू मालूम करनी है जहाँ पे ये, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ये आप स्किप कर जाए अभी, ठीक है। इसका करेक्टरिस्टिक टेबल का आपने कॉर्न ऑफ मैप के जरिए से इसको मालूम करना है, इसकी वैल्यूज को क्यू एन प्लस वन की वैल्यू को कॉर्न ऑफ मैप के जरिए से मिनिमाइज करना है। इसी तरह यहाँ पे क्यू एन प्लस टी की वैल्यू को आपने मालूम करना है, ठीक है। ये हमारा टी फ्लिप फ्लॉप था। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर अभी थोड़ी देर में और तैयार कर देते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से इसको हल कर सकें।